हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। यह सौरभ डॉग कैनल आपका अपना चैनल, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। तो आज हमारे पास हमारे यहाँ का पपी है, रुस्तम का पपी है। रुस्तम से आप सब मिल चुके हैं चैनल पे हमारे, और ये अपनी मम्मी का सेकंड नंबर का सन है। बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत शरीफ। ये हमारे पास से जा रहे हैं मऊनाथ भंजन, भाई राजू और भाई चंदन के यहाँ। अभी हम उनसे भी आपसे मिलवाएंगे। इससे पहले कुछ बातें रॉटवाइलर के ऊपर, कुछ मिथ है रॉटवाइलर के बारे में कि रॉटवाइलर दुनिया की सबसे अग्रेसिव ब्रीड है। ये अपने मालिक को भी काट लेता है, ये स्वामी भक्त नहीं होता, ये किसी का होता नहीं है। बड़े होने पे ये बहुत अग्रेसिव हो जाता है। इसको घर परिवार में नहीं रखना चाहिए, अगर आपके छोटे बच्चे हों तो नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे तमाम तरीके के मिथ हैं जो कि कतई गलत है, कम्प्लीटली गलत बात है। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। रॉटवाइलर दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉयल डॉग है, थर्ड नंबर का लॉयल डॉग है। लॉयल्टी की अगर बात किया जाए, इंटेलिजेंस में नंबर सेकंड पे आते हैं रॉटवाइलर पूरे विश्व के सारे डॉग्स में। अगर इंटेलिजेंस की बात किया जाए, या जागरूकता, या दिमाग कितना तेज़ चलता है, या ये कितने समझदार होते हैं, इसकी बातें हम आगे ज़रूर बताएंगे आपको। तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और रही बात स्वामी भक्त होने की, गाइज मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, पहले भी आप सुन चुके हैं, मेरे पास 16 रॉटवाइलर्स हैं, 2 मेल है, 14 फीमेल है। तो आज तक मेरे यहाँ पे कभी कोई हादसा, कोई काटना, झगड़ा आपस में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात रॉटवाइलर में ये है कि ये सबसे अच्छे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अगर आप गार्डिंग के लिए डॉग लेना चाह रहे हैं तो रॉटवाइलर बेस्ट है, सिक्योरिटी के लिए लेना चाह रहे हैं तो भी रॉटवाइलर बेस्ट है। अगर आप फैमिली कंपेनियन के रूप में रॉटवाइलर चाहते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं फैमिली कंपेनियन डॉग के रूप में या फैमिली डॉग के रूप में, वो लैब्राडोर होता है। तो मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छे कंपेनियन भी होते हैं, ये फैमिलियर भी बनाए जा सकते हैं। और मेरे सारे रॉटवाइलर बड़े फैमिलियर हैं, बड़े सोशलाइज्ड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बाहर का कोई डॉग या फिर कोई भी व्यक्ति इनके सामने आपको हाथ लगा दे या फिर बाहर का कोई डॉग भौंक के चले जाए तो ये डर जाएंगे। ये अपना काम करना जानते हैं। इसका पापा, मतलब इसके जो फादर हैं, अकेला 8-10 देसी कुत्तों पर भारी रहता है। मतलब कभी अगर मूंछ के ताव वाली बात आ गई ना तो हम भी छोड़ देते हैं, जाओ बेटा, मुझे पता है 1-2 को मार के ही आएगा, 10 को काटेगा तो 1-2 जगह लगता है रेबीज लगा दिया जाता है। हालांकि ऐसा ना करें, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ डॉग फाइट नहीं कराना चाहिए। और जब भी मेरे रॉटवाइलर मेरे साथ रहते हैं तो मेरे से कोई हाथ नहीं मिला सकता, मेरे कंधे पे कोई हाथ नहीं रख सकता, और कोई मेरा पैर छूने भी नहीं आ सकता। तो इनको लगता है कि वो हमें हार्म कर रहा है तो वो अटैक कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये प्रोटेक्टिवनेस है अपने मालिक के लिए, ये जागरूकता है अपने मालिक के लिए। तो ये जितनी भी बातें हैं ना कि रॉटवाइलर बड़ा अग्रेसिव होता है, रॉटवाइलर मालिक को काट लेता है, रॉटवाइलर बात नहीं मानता, ज़िद्दी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एकदम गलत बात है। ये सब सिर्फ वो लोग बताते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई देसी कुत्ता पाला हो या पोमेरियन पाला हो। ये जो भी ज्ञानवान लोग ज्ञान देते हैं ना कि रॉटवाइलर ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, सही मायने में कभी उन्होंने रॉटवाइलर ना देखा होता है, ना उन्होंने अपने घर में रखा होता है। वो एक सुनी सुनाई मिथ, एक सुनी सुनाई कथा, एक मुंह से 10 मुंह, 10 मुंह से 100 मुंह, और 100 से लाखों मुंह तक बन जाते हैं, बिना मतलब इस प्यारे से इतने बढ़िया ब्रीड को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन ब्रीड है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कई जगह बैन है, साउथ में बैन है, बैंगलोर में बैन है, मुंबई में बैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी स्टेट में रॉटवाइलर बैन नहीं है, ऐसा मुझे कोई ना सूचना है, ना कोई न्यूज़पेपर में ऐसी कटिंग है, ना ही कोई प्रमाणित करता हुआ आज तक मुझे मिला कि फलाना रॉटवाइलर फलाना जगह बैन है। हाँ भाई, करोड़ों रॉटवाइलर हैं इस देश के अंदर, तो उनमें से किसी एक ने कभी कभार किसी को काट लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रॉटवाइलर नस्ल ही ख़राब है या फिर हर रॉटवाइलर ऐसा करेगा। काटने की बात आए तो हमारे यहाँ तो लैब्राडोर भी ऐसे ऐसे हैं जो काट लेते हैं, तो क्या हम लैब्राडोर को भी डोमेस्टिक ना माने? ऐसा नहीं है। कभी कभी अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जिसकी वीडियो आपने कल हमारे चैनल पे देखा होगा, कॉकर स्पैनियल शेरू जिसका नाम था, हमारे ग्रूमर को काट लिया, तो उनके हाथ में काफ़ी चोट लगी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं इनके नए मास्टर्स से, नए ओनर्स से। ये भाई साहब हमारे छुटकू जा रहे हैं मऊनाथ भंजन। तो स्वागत है चंदन भाई आपका हमारे चैनल पे, और ये बड़े भाई है राजू। राजू भाई आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस समय आपको। तो ये रहा सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नए परिवार के सदस्य के लिए। 2 लाइन राजू भैया छोटे भाई के लिए या इस बच्चे के लिए जो आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स से। बहुत
प्यारा मासूम सा बच्चा है, बहुत सुंदर है, सैटिस्फाइड है, अच्छा है। चंदन भाई दो लाइन जो कहना चाहें आप व्यूअर्स से। मैं इनका वीडियो करीब 3 महीने से देख रहा था और मैं कंफ्यूजन में था कि राडविलर लूँ या जर्मन शेफर्ड। हाँ जर्मन शेफर्ड लूँ। हाँ वार्डिंग के पर्पज से इन्होंने बोला राडविलर लीजिए, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ ये पप्पी लेके। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई। तो चंदन भाई के भी सेम मिथ थे, बहुत सारे लोगों ने इनको भी अड़ोस पड़ोस में निश्चित रूप से बोला होगा दोस्तों यारों ने कि मत लो क्या कर रहे हो घर में काट ले। मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है। अच्छा एक जर्मन शेफर्ड है, वो क्रॉस ब्रीड है। लेकिन क्या नाम है उसका? उसका नाम है जैक। जैक हाँ। अच्छा एक जैक है तो ये जैक के साथ ही रहेंगे? हाँ जैक के साथ ही रहेंगे। अरे वाह, तो चलिए एक कंपेनियन है इनके पास और एक दोस्त के साथ ये दूसरा छोटा दोस्त जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं जब ये घर पे अपने जा रहे हैं तो बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी दुआएं हमारी ब्लेसिंग्स परिवार में लेकर के जाएं।